हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। गाइस, आप सभी का स्वागत है और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान सेट एग्जामिनेशन जो अभी हाल ही में हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जिन्होंने भी कॉमर्स पेपर से अपना सेट एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन देके आते हो तो आपके मन में ये चीज रहती है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने जो स्कोर किया है वो क्या एक सेफ स्कोर है, तो आपको एक काफी हाई चांसेस पता लग जाते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाला है और आप उसी के अकॉर्डिंग फर्दर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक सेशन लेके आ गई हूँ आपके सामने जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है और किस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आपका स्कोर सेफ स्कोर है। तो चलिए करते हैं आज की डिस्कशन स्टार्ट। जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, जो भी हमारा लास्ट टाइम सेट एग्जामिनेशन हुआ था, उसी के रिजल्ट्स के बेसिस पे आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ रही थी, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ रही थी 65%। तो इस बार भी लगभग इतने ही कट ऑफ जाने के आपके चांसेस हैं। तो अगर आप ये प्रीवियस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है और आपका पेपर क्लियर हो सकता है ये, और आप राजस्थान सेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। तो यही डिस्कशन करेंगे कि कितना आपका सेफ स्कोर अब रहने वाला है। आपका 150 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपके कितने आपको स्कोर करने हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि 300 में से आपको कितना स्कोर करना चाहिए, तो अभी आपके पास अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है। क्लियर? क्योंकि सेट एग्जामिनेशन है, सेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 प्लस तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमारे पास आ रहा है, जो आपके पास 10 साल पहले जो आपका पेपर हुआ था 2013-14 में, उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये आ रहा है कि अगर आप 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो सेफ स्कोर हो सकता है। बट इस बार पेपर का पैटर्न जो मैंने एनालाइज किया, जो हमने देखा और जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा है, उसके बेसिस पे मुझे ये लगता है कि अब इस बार अगर आप 210 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए ये एक सेफ स्कोर है। अगर आप यहाँ पे 105 क्वेश्चन सही कर रहे हैं या उससे ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप सेफ स्कोर कर रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छा स्कोर है, और इस स्कोर से आप अपना एग्जामिनेशन है जो क्रैक कर सकते हैं अगर आप यूअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इन केस आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए भी मेरे पास यहाँ पे एक सेफ स्कोर है, और वो सेफ स्कोर क्या है वो भी प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसी के बेसिस पे ही मैं बताना चाहूंगी। तो अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपने अगर 98 प्लस क्वेश्चन भी सही किए हैं, 98 टू 100 क्वेश्चन की अगर मैं रेंज लेके चलूँ तो ये आपके लिए एक काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, ये एक ऐसा स्कोर है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आप इसको एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 93 प्लस क्वेश्चन पे भी अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ रहती है वो ओबीसी कैटेगरी की थोड़ी कम रहती है यूआर कैटेगरी से, एंड एससी एसटी कैटेगरी की तो काफी कम रहती है आपकी यूआर कैटेगरी से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए यूआर कैटेगरी की तो मैंने आपको बताया 105 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 98 से 100 क्वेश्चन भी अगर आपके सही है तो आप एक सेफ स्कोर में है, और अगर एससी एसटी की बात की जाए तो 93 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपके सही है तो आप एक सेफ स्कोर कर रहे हैं। क्लियर, ये आपकी कट ऑफ जाती है डिफरेंट कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ। अब यहाँ पे एक आती है EWS कैटेगरी, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका जो जैसे यूआर कैटेगरी रहती है उससे थोड़ा सा ही कम कट ऑफ इनकी रहती है, तो आप यहाँ पे अगर 100 प्लस क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका EWS कैटेगरी से सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपका अगर इनमें से स्कोर आ रहा है, इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और अब एक चीज का जो इफेक्ट और डलेगा आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो पेपर में सही क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे, जैसा कि DI का क्वेश्चन पेपर वन में देखने को मिला जो आपका एक रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, और उस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होने के कारण आपके जो दो क्वेश्चन थे DI के वो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ये जो दो क्वेश्चन है ये या तो डिस्कार्ड किए जाएंगे या फिर आप सभी को इनके मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस किए जाएंगे। और दूसरा एक पेपर वन पेपर टू में भी मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला जो आपका GST से रिलेटेड था, तो वो क्वेश्चन भी आपका डिस्कार्ड होगा। तो तीन क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो आपके डिस्कार्ड होंगे 100%। तो इससे भी आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने DI नहीं की थी और उनके अलावा उनके बाकी क्वेश्चन ज्यादा सही है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा।
थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है 0.2 0.3 का, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यस, जब आपके क्वेश्चन कभी डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उस टाइम पे आपका जो रिजल्ट है वो आपके 300 मार्क्स से कैलकुलेट नहीं होगा। जितने क्वेश्चन डिस्कार्ड होंगे उनके मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 3 क्वेश्चन आपके गलत थे तो आपके जो टोटल 150 क्वेश्चन है उनमें से 3 क्वेश्चन माइनस होंगे, और 147 क्वेश्चन में से ही आपका रिजल्ट बनने वाला है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट यस, आपका इस बार पेपर है वो काफी अच्छा हुआ है स्टूडेंट्स का, तो कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाने के चांसेस हैं, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप एक सेफ स्कोर में हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना पॉजिटिव रिजल्ट। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही हो, और इन केस आप इस स्कोर पे नहीं लाए कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा ही कुछ डिफरेंस है और आपको लगता है कि इस बार शायद नहीं हो पाएगा, तो आप अभी से ही नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो अब अपकमिंग एग्जामिनेशन है जून में होने वाला है, तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, सेट एग्जामिनेशन आपको एक स्टेट में एलिजिबल बनाता है, बट नेट एग्जामिनेशन आपको नेशन वाइड एलिजिबल बनाता है। तो नेट एग्जामिनेशन का स्कोप एज यू ऑल नो कि बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो जुड़ के तो आप पढ़ सकते हैं। YouTube क्लासेस भी आपकी स्टार्ट है, सिलेक्शन बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे रहती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई की। एंड पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ मैं मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 6 बजे। तो आप जुड़ सकते हैं लाइव मेरे साथ ताकि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। और अगर आपने अभी भी अपना जो पेपर है वो एनालाइज नहीं किया है, तो मैंने ये पेपर आपको संडे को ही एनालाइज करवा दिया था शाम को। तो अगर अभी तक भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत। एंड जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहां से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख पाए कि सही है या नहीं है। ठीक है, दो टेलीग्राम चैनल मैं आपको दे रही हूँ। एक है कमर्शियन अड्डा जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और आंसर की देख सकते हैं। एंड दूसरा टेलीग्राम चैनल आपका JRF अड्डा का कमर्शियल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अड्डा डिस्कशन ग्रुप के नाम से भी, और JRF अड्डा आपका JRF अड्डा आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। दोनों में से किसी पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आपको आंसर की मिल जाएगी और आप प्रॉपरली अपने आंसर्स मैच कर पाएंगे कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। क्लियर? और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एटम बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप एटम बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको काफी हेल्प करते हैं, आपको हर एक यूनिट के कंटेंट को रिवाइज करने में, सिलेबस कवर करने में, यूनिट वाइज एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम वहां पे पढ़ते हुए चलते हैं। और आपको रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों का ही एक्सेस मिल जाता है, जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा, रिकॉर्डिंग से आप फटाफट से अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं, नोट्स भी आपको मिलते हैं, और नोट्स कैसे मिलते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाती है। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट रहता है और डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से हम पढ़ते हुए चलते हैं। फीस आप देख सकते हैं मात्र 6,999 रुपये है, और अगर आप टेस्ट सीरीज या हैंड रिटन नोट्स भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एडिशनल पे करके उनको एड ऑन करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हमने ये चीज़ सीख लिया कि कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, और आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा अपने एग्जामिनेशन को लेके कि कितना आपका स्कोर रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, एंड कुछ और बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए प्लान कर रही हूँ। एंड आपके लिए अपकमिंग डेज में एक स्पेशल सरप्राइज भी आने वाला है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो जुड़े रहिएगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपकमिंग एग्जामिनेशन में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज हम हर तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, एंड आपको एक बेटर आइडिया देने की कोशिश करूंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।